Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve Chapter 8, Exercise 8.1, Question Number 10 for Class 9. Question is ABCD is a parallelogram. यहाँ पे दिया हुआ है कि ABCD एक parallelogram है. तो parallelogram की हम पूरी property को use कर सकते हैं. Okay? And AP and CQ are perpendicular from vertices A and C. यहाँ पे AP और CQ दो perpendicular हैं. कहाँ पे? तो AC पे, vertices AC, इस vertices से A से और C से. On diagonal BD, और ये BD पे, diagonal BD पे perpendicular. So that हमें show करना है triangle APB. ट्राइंगल ए पी बी, ये वाले ट्राइंगल कंग्रुएंट टू सी क्यू डी. सी क्यू डी, इन दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करना. तो जो जो चीज़ गिवेन है, सबसे पहले हम वो चीज़ लिख देंगे ताकि हमें सॉल्यूशन में हेल्प मिले. गिवेन है कि ये एक पैरेललोग्राम है. इट मीन्स ए बी पैरलर एंड ऑल्सो इक्वल टू सी डी. ओके, ए बी जो है वो पैरलर भी है और इक्वल भी है. दूसरी चीज़, बी सी इक्वल टू ए डी एंड ऑल्सो पैरलर टू ए. प्रॉपर्टी पहले given AB parallel to CD and also equal to CD, and next which is BC parallel to AD and also BC equal to AD. और एक चीज गिवन है कि ये जो दोनों है ये परपेंडिकुलर है. इट मीन्स ए पी बी और सी क्यू डी, ये दोनों 90 डिग्री है. एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री. ये दोनों 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर जो होते हैं वो 90 डिग्री के. अब इतना चीज गिवेन है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. यहाँ पे हमें फाइंड क्या करनी है, टू प्रूफ ट्रायंगल ए पी बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू. इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी. अब इसमें हम चेक करते हैं क्या क्या चीज कहाँ कहाँ हमें गिवेन है. एक तो चीज ये गिवेन है हमें कि ए बी और सी डी दोनों क्या है, इक्वल है, ये गिवेन. तो ए बी इक्वल टू सी डी. दूसरा आपको ये एंगल जो है वो गिवन, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, ये भी गिवन है, गिवन. ओके, ये 90 डिग्री है, यहाँ हमने नोट डाउन कर दिया, दैट्स व्हाई हम गिवन ही लिखेंगे. अब हम थर्ड पार्ट क्या गिवन, थर्ड पार्ट जो है वो आप देख लो. अगर सपोज दैट ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइन क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और बी डी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गया. इसमें ये एंगल आ रहा है और इसमें ये एंगल आ रहा है. ओके, इस ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे. एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी
CD cube. Alternate interior angles. अब तो हमने देखा कि ये RHS रूल से दोनों ट्राइंगल जो है वो congruent हो गए. तब लिखेंगे यहाँ पे hence ट्राइंगल APB congruent to ट्राइंगल CQD by RHS रूल. अब ये दोनों ट्राइंगल अगर congruent है तो इनके corresponding sides and angles जो क्या होंगे वो इक्वल होंगे. हमसे जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि AP इक्वल टू CQ, तो यहाँ पे सेकेंड का आंसर हम दे देंगे. यहाँ पे सबसे पहले लिख दूँ कि AP इक्वल टू CQ बाय सिंप्लिसिटी. सेकेंड में बस AP इक्वल टू CD अवर प्रूफ्ड. यहाँ पे हमें सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि AP इक्वल टू CD. आई होप सॉल्यूशन समझ में आया होगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें.